कार, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका शोध बिंदु है, वह है हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक शोध। और आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि क्या होता है और क्या इसके प्रॉपर स्टेप होते हैं करने के। आप जानते होंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो शब्द हिस्ट्री आती है या ऐतिहासिक, इसका अर्थ लगभग सब जानता है कि जो चीज़ें भूतकाल की हैं, जो चीज़ें घट चुकी हैं, जो हमारा इतिहास है, अगर हम कोई ऐसा शोध करें सिस्टमैटिक रूप से जो उस इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हो, हम जानने की कोशिश करें कि क्या कारण था या वो चीज़ें कैसे घटित हुई, या ऐसा कुछ जानने का प्रयास करें कि जो चीज़ें घट गई हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सारे रिसर्च को हम ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अगर बात की जाए ये किस प्रकार का शोध है, तो शोध में यह गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। ये जो विधि है आपके शोध करने की, ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड ऑफ रिसर्च, इस विधि को देखें तो कौन से शोध के अंतर्गत आती है, गुणात्मक शोध के अंतर्गत आती है। आपको बताया था मैंने कि गुणात्मक शोध क्या होता है। गुणात्मक शोध वह शोध जिसमें जो डाटा आपका होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो या कोई शब्द रूप में, शाब्दिक रूप में अगर मिलता है, जो सांकेतिक शाब्दिक रूप में मिलता है, आंकड़े नहीं मिलते जिसमें, तो उन सबको हम गुणात्मक शोध के अंतर्गत रखते हैं। और जो चीज़ें आपके आंकड़ों के रूप में मिलते हैं उनको हम मात्रात्मक शोध के अंतर्गत रखते हैं। इसमें क्या पता चलता है हमें कि कोई चीज़ कैसी है या क्या प्रभाव पड़ा, इसमें कितना है यह नहीं बताता, अर्थात इसमें आंकड़ों का रोल नहीं होता। तो यह शोध विधि जो है वो गुणात्मक शोध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध विधि है। अब बात करेंगे कि ये शोध विधि क्यों चूज करेंगे। जैसे हमें अगर जानना है कि मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र दिया तो उसका क्या रीज़न था या क्या उसके पीछे उसके इंटेंशन थे या उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर मैकाले के विवरण पत्र पे हमें अध्ययन करना है तो वो चीज़ें अब फिर से वो दे नहीं सकता, फिर से आप डाटा कलेक्ट कर नहीं सकते, अर्थात ये एक भूत में घटित घटना है जिसका हमें अध्ययन करना है। तो जो भूत में घटित घटना है उसके अध्ययन के लिए जब भी हम चूज़ करते हैं तो कौन सी प्रविधि यूज़ करते हैं, ऐतिहासिक विधि से हम शोध करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस विधि की क्या खासियत है। सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी शोध को करने के लिए क्या होता है, समस्या का चुनाव या समस्या की पहचान, अर्थात हम एक समस्या लेते हैं जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से होता है। जैसे मान लीजिए हमें मैकाले पर अध्ययन करना है तो हमने मैकाले को एज अ समस्या ले लिया, उनके विचारों को या उनके विवरण पत्र को 1835-34 जो भी आया, मतलब 1835 में जो उनका विवरण पत्र आया उस पर हमें अध्ययन करना है, या जब मैकाले भारत आए उस पर हमें अध्ययन करना है, तो वो हमने टॉपिक चूज़ कर लिया चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, हमारी एक शोध की समस्या हो गई जो कि क्या हुई, एक हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हमने ले ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन में क्या होता है, अब आप देखिए डाटा कलेक्शन में आप कुछ नहीं करते, आप इसमें स्रोत लेते हैं। क्या लेते हैं, स्रोत, कि कहाँ से हम अध्ययन करेंगे कि हम मैकाले के बारे में बता सकें या जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ देखिए आप बहुत ही ध्यान से कि जो आपका प्रविधि है इसमें स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्रोत कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक आपका प्राथमिक स्रोत, दूसरा आपका द्वितीयक स्रोत। ठीक, अब स्रोत को हमने दो भागों में क्यों बांटा, अब ध्यान दीजिएगा, शोध को हमने दो भागों में ऐसे बांटा कि जब आप पढ़ते हैं थार्नडाइक के नियम को तो उसमें देखते हैं कि दो प्रकार के आपके नियम हैं, एक तो मुख्य नियम और एक गौण नियम। वैसे ये शोध भी दो प्रकार के होते हैं, जो डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस करता है वास्तविक परिप्रेक्ष्य में, वास्तविक जो आपके शोध होते हैं जो उस घटना से सीधे सीधे जुड़े होते हैं जिसका हमें अध्ययन करना है, तो उस शोध को हम प्राथमिक शोध कहते हैं। कौन सा स्रोत, प्राथमिक, जैसे किसी इमारत पर करना है तो खंडहर है या मूल अभिलेख है, गणावेश है, गंगनावेश है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जो चीज़ें उस घटना से डायरेक्टली जुड़ी होंगी वो सारे स्रोत आपके कैसे स्रोत होंगे, प्राथमिक स्रोत। ठीक है, दूसरा जो आपका टर्म है द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक स्रोत वह स्रोत है जो डायरेक्टली नहीं लेकिन
उस चीज़ से रिलेटेड होंगे, जैसे उनके बारे में किसी ने कुछ कहा। अब जैसे मैकाले का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो मैकाले का जो विवरण पत्र है वो आपका प्राथमिक स्रोत है, और द्वितीयक स्रोत में अगर मैकाले पर किसी ने आर्टिकल लिखा है या बुक लिखी है बाद में या अध्ययन किया है, तो वो सारे स्रोत क्या हो जाएंगे, द्वितीयक स्रोत हो जाएंगे। अर्थात इसमें जो डाटा का, जो आपका सूचनाओं का संग्रहण कर, मतलब आप सूचनाएं जो संग्रहित करते हैं, उसमें दो प्रकार के स्रोत आपके होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो आपका जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें स्रोतों की बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। अब जब आप इस स्रोत को ले लिए कि हमने दोनों प्रकार के स्रोत ले लिए, प्राथमिक और द्वितीयक, फिर आप क्या करते हैं, फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ है, उस जो आपने सूचनाएं जो संग्रहित की उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, विश्लेषण क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वास्तव में क्या परिप्रेक्ष्य रहा, उस समस्या को समाधान करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के विश्लेषण की प्रक्रियाएं करेंगे। ठीक है, आपने विश्लेषण किया, अब नेक्स्ट स्टेप से यहाँ से देखिएगा, आप क्या करते हैं, एक परिकल्पना निर्माण करते हैं। ठीक है, वो परिकल्पना क्या होती है, उस समस्या का प्रस्तावित उत्तर होती है। कभी कभी ऐसे भी शोध आपके होते हैं जिसमें परिकल्पना नहीं बनती, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी शोध है जिसमें आप परिकल्पना बना सकते हैं, कि जब भी आप पिछले चीज़ों का प्रभाव देख रहे हैं कि प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा या जो भी चीज़ें, तो वो आपका जो प्रस्तावित उत्तर होता है वो परिकल्पना है। तो आप जब परिकल्पना बनाएंगे तो इसमें आप एक परिकल्पना का भी निर्माण करेंगे, फिर जो चीज़ें हैं आप उसको क्या करेंगे, संश्लेषित करेंगे। ठीक है, संश्लेषित करेंगे और इसको क्या करेंगे, सिस्टमैटिक कर लेंगे। अर्थात एक प्रकार से आप हर चीज़ों को संगठित कर लेंगे, जो अपने डाटा जो अपने स्रोत से सूचनाएं ग्रहण की, जो उस पर एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, समस्या का जो समाधान निकलेगा, फिर आप क्या करेंगे, आप उसको क्या करेंगे, उस समाधान को यहाँ पे रखेंगे। कौन सी समाधान, जिस समस्या को आपने चुना था एज अ शोध, शोध के लिए जो समस्या आपने चुनी थी उसका आप समाधान यहाँ पे करेंगे। तो इतने प्रॉपर आपके स्टेप होते हैं हिस्टोरिकल जो आपके रिसर्च होते हैं। क्या चीज़, समस्या चुना। ठीक है, अब उस समस्या को चुना, तो हम कहते हैं ना दूसरा चैप्टर आपका होता है कि संबंधित साहित्य का अध्ययन, तो उसमें ठीक है वो तो प्रॉपर स्टेप आपके होते ही हैं, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक स्रोत में आपको याद रखना है कि हम क्या कहते हैं, स्रोत जो लेते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीयक, जो डायरेक्टली उससे जुड़े होते हैं वो प्राथमिक होते हैं, और जो इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं अन्य जगह से या किसी अन्य के द्वारा होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक। अब देखिए डायरेक्टली सोर्स में क्या क्या आ गया आपका, जैसे वही जो खंडहर रहा या मूल उनका जो अभिलेख रहा या बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई वहाँ उस घटना के दौरान था तो उसका वृत्तांत भी जो होगा, जो वो बताएगा कि हाँ मैं वहाँ था, ये चीज़ें घट गई, तो वो भी क्या आप प्राथमिक में रखें। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें, कोई पुस्तकालय है उसमें पुस्तकें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके द्वितीयक स्रोत में आ जाएंगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल रिसर्च को करने का क्या तरीका होता है। लेकिन इसमें एक और टर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको बहुत डीपली नहीं, लेकिन हम एक टेक्निकली रूप से हम उसको यहाँ पे परिभाषित करेंगे कि वो क्या होता है। इसको उसका नाम है आलोचना। जब भी आप ऐतिहासिक शोध में आलोचना करते हैं, तो आपको ध्यान देने की बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है। यह आलोचना दो प्रकार से होती है, एक तो बाह्य और दूसरा क्या है, आंतरिक। बाह्य और आंतरिक आलोचना, ध्यान से समझिएगा। आलोचना जो होगी आपकी वो दो प्रकार की होगी, बाह्य और आंतरिक। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको याद रखना है, बाह्य आलोचना शोध जो है आपके उसकी प्रामाणिकता और मौलिकता से जुड़े होंगे, कि ये प्रमाणित स्रोत है कि नहीं, मौलिक है कि नहीं, ओरिजिनलिटी इसमें है कि नहीं, वास्तव में ये चीज़ें उससे जुड़ी थी कि नहीं, या सही सूचना ये शोध दे रहा है कि नहीं। और जो आंतरिक होगी, तो उस स्रोत में से जो विषय वस्तु आपकी मिली, विषय वस्तु या सूचना जो मिली, इसकी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता इत्यादि जो टर्म आएंगे आपके, वो आंतरिक में आएंगे। अर्थात जो स्रोत लिया वो मौलिक है कि नहीं, प्रामाणिक है नहीं, ये बाहर से जो स्रोत लिया उसके बारे में अगर देखें, सोर्स के बारे में देखें बाहर से, कि हाँ ये लेना चाहिए था कि नहीं, सही था कि नहीं, पता चला कहीं से आपने उठा लिया द्वितीयक वाले और प्राथमिक आपने कोई लिया ही नहीं, तो हो सकता है स्रोत पे उंगली उठ जाए।
तो जो उस स्रोत से संबंधित जो आपकी आलोचना होती है वो प्रामाणिकता और मौलिकता से संबंधित होती है और उसे बाह्य आलोचना कहते हैं। दूसरा जो टर्म है आपका यहाँ पे आंतरिक जो आपके होते हैं आलोचना, उसके अंतर्गत उस स्रोत के अंदर जो सूचना, अब स्रोत तो मिल गया, अब मैकाले का वो विवरण पत्र आपके सामने, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है उसकी आलोचना कि विश्वसनीय है कि नहीं, वैध है कि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें आप उसमें अंदर, अगर अंदर की सामग्री का आप आलोचना करते हैं जो स्रोत में होती हैं तो उसको आंतरिक आलोचना कहेंगे। और स्रोत मिला कैसे लिया, आपने कोई पक्षपात तो नहीं किया स्रोत लेने में, ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे आप बाह्य आलोचना करेंगे। तो ये हो गया आपका ऐतिहासिक शोध। इसी टर्म में हम एक और चीज़ देख लेंगे, बहुत ही छोटा टर्म है, दार्शनिक जो आपकी विधि होती है। जैसे आप गुणात्मक पढ़ रहे हैं तो गुणात्मक में जो दूसरी प्रविधि होती है दार्शनिक शोध। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने हिस्टोरिकल किया, क्योंकि इसके साथ ही इसलिए मैं पढ़ा रही हूं क्योंकि जस्ट वैसा ही है, आप इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि हाँ जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वो ऐतिहासिक शोध के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि आप फिर से तो ला नहीं सकते उसको, वो चीज़ें क्या थी वैसे की तस जो समय थी, जो आपके वहाँ से अवशेष मिले वो सारे शोध हुए, उन्होंने बताया कहाँ नागरी प्रणाली थी, कहाँ कैसी प्रणाली थी, तो वो सारे आपके क्या हो गए ऐतिहासिक शोध में हो गए। दूसरा जो टर्म है आपका दार्शनिक शोध, इसमें याद करिए रखिएगा फिलोसफिकल जो रिसर्च होता है ये दर्शन से जुड़ा है। दर्शन, दर्शन आप जानते हैं दर्शन क्या है, विचारों की पराकाष्ठा। अब जब दार्शनिक मतलब क्या विचार, अब यहां पे आपको एक ही चीज देखना है, क्या विचार, क्या विचार। दार्शनिक शोध में किसी के विचारों का अध्ययन करते हैं, किसी दार्शनिक के, जैसे दार्शनिक शोध में कहें कहें कि महात्मा गांधी का अध्ययन कर लिया आपने, उनके क्या विचार थे, स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार थे, स्कूली शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्या विचार थे, प्राथमिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में क्या था, वुड का कर लिया कि वुड कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, वो डिस्पैच का नहीं किया, उनके पर्सनली उनके जो विचार हैं अंदर के उनके दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आपका दार्शनिक शोध कहलाए। ठीक है, दार्शनिक शोध में क्या करते हैं, किसी के विचारों का क्या प्रभाव रहा, या किसी ने किस चीज़ के बारे में क्या विचार दिया, या किन्हीं दो विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया, या किसी जो हमारे वर्तमान में उसकी उपादेयता है उन विचारों की वर्तमान में उपादेयता, इसका अध्ययन किया। तो जितने भी दर्शन से रिलेटेड या दार्शनिकों के विचार या किसी भी व्यक्ति के दर्शन से रिलेटेड आपके शोध होंगे, सारे शोधों को हम क्या कहेंगे, दार्शनिक शोध कहेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि इसमें भी वही स्टेप होते हैं कि समस्या ली, शोध लिया, ठीक है, फिर आपने परिकल्पना बनाई, फिर क्या किया आपने, फिर उस चीज़ को आपने विश्लेषण किया, फिर संश्लेषण किया, आपने रिजल्ट या परिणाम निकाला और आपने बताया कि ये है इफेक्टिव या नहीं, या इनका विचार कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही हिस्टोरिकल वाला स्टेप आपका दार्शनिक में भी आ जाएगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि बहुत ये सब चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं लोग, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि कौन सी विधि में कौन सी नई चीज़ है। जैसे इसमें आलोचना है और शोध है, तो आलोचना और शोध दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इन प्रविधियों में आलोचना को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, और शोध तो आप जानते हैं बिना स्रोतों के ये तो शोध हो ही नहीं सकता, और हर ऐतिहासिक शोध में आपके जो प्राथमिक और जो द्वितीयक आपके शोध होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर आप इनको चूज़ करने में कोई पक्षपात करें, अगर आप इनको चूज़ करने में कोई लापरवाही करें, या आपकी कमी से इनमें जो शोध लेने में दिक्कत हो गई, तो पूरा जो इफेक्ट होगा आपके रिजल्ट पे दिखेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार शोध चुन रहे हैं तो क्या वो सही रिजल्ट देगा, बिल्कुल नहीं, कहेंगे यहाँ अवेलेबल नहीं है, हम कैसे स्रोत लें। आपको वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए, वास्तविक परिस्थिति में आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो चीज़ें हुई हैं, या जो घटनाएं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएँ ग्रहण जो है आप संग्रह करिए, और उस पर अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकालिए, क्योंकि हर शोध एक समस्या पर आधारित होता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, उस समस्या का समाधान। और हम शोध क्यों करते हैं ये आपको पता है कि हमारी जो चीज़ें हैं उनको और इजी बनाने के लिए, या किसी चीज़
पे अध्ययन करने के लिए, कोई नई चीज़ पाने के लिए, या कोई नया ज्ञान अर्जित करने के लिए, या किसी चीज़ की तुलना करने के लिए, या आप हर हमेशा परिमार्जित होते रहने के लिए शोध करते हैं। तो इसीलिए आप जब हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शोध करते हैं तो उसे ऐतिहासिक शोध कहा जाता है। और जब किसी के विचारों के संदर्भ में आप शोध करते हैं, जो उनके मूल हैं, उनका दर्शन है, तो वो आपका दार्शनिक शोध के अंतर्गत आता है।